प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 स्टेशनों का नवीनीकरण की सौगात देने जा रहे हैं। उस कड़ी में यमुनानगर जगाधरी का स्टेशन भी है। मेरे साथी दिखाएं किस तरह पर यहाँ पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, पूरी जो हर अधिकारी है, चाहे रेलवे का है, बाहर का है, अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। इसके अलावा कैसा मॉडल होगा भी मेरे साथी दिखाएंगे कि पहले तो लोग ऐसा लगता था कि जैसे बाबा आदम के जमाने का, और इस समय कितना सुंदर लुक है, इसके अंदर पता लगता है कि यमुनानगर का जो रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, बाग है, बगीचे हैं, फुहारे लगे होंगे, पार्किंग भी प्रॉपर व्यवस्था होगी, बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा, तो किस तरह की सुविधा है। तो हमारे पास यहाँ के जो स्टेशन सुपरवाइजर हैं आर के तिवारी जी, वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज जो शिलान्यास होना है, क्या क्या सौगात मिलने वाली है? यमुनानगर जिला स्टेशन में आज के शिलान्यास के बाद हम लोग आपको एक अच्छी पार्किंग देंगे, अच्छा पार्क देंगे, फुहारे देंगे, ग्रीनरी देंगे, देखने में जो अच्छा लगेगा, लुक अच्छा लगेगा स्टेशन का, बाहर से उसको मॉडिफिकेशन आपको अच्छा एक देखने को मिलेगा कि दूर से देखकर लगेगा कि मॉडर्न स्टेशन है। और प्लेटफार्म नंबर 1 को भी चौड़ा कर रहे हैं, हम लंबा कर रहे हैं, गाड़ियों की जो आवाजाही होती है उसमें 1 नंबर से प्लेटफार्म से यात्री को आने जाने में सुविधा रहती है। हमारा PRS भी है 1 नंबर के बाहर की तरफ, और बुकिंग भी है, तो वहीं से लोग टिकट लेंगे, वहीं से अपना साथ के साथ 1 नंबर प्लेटफार्म से चलने की सुविधा। इसमें सर यदि यमुनानगर की बात करें तो 2 डिवीजन बनते हैं, तो क्या 2 तरफ से विंडो होंगे? पिछली तरफ हमीदा भी काफ़ी बातें, लगभग 1,00,000 से ज़्यादा पड़ते हैं। बिल्कुल, ये हमारे उसी में है, हम लोग इसको सेकंड फेज में चालू करेंगे। फर्स्ट फेज में तो अपना फ्रंट साइड का हम उसको डेवलप कर रहे हैं, सेकंड फेज में हमीदा साइड पर भी हम उसको डेवलप करेंगे, वहाँ भी बुकिंग की फैसिलिटी रहेगी और पार्किंग की फैसिलिटी भी रहेगी, आपको भी जो है खुद और दोनों तरफ से आपको मिलेगा, बिल्कुल अच्छी। उधर साइड से भी लिफ्ट की संभावना है कि उधर भी लिफ्ट लगी हुई, तो ये सेकंड फेज का काम है। सर यदि बात करें तो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा? जो फर्स्ट फेज है लगभग 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जो भाजपा के महामंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, कृष्ण सिंह, उनसे भी जानते हैं। यमुनानगर की बात करें तो यहाँ प्रधानमंत्री तो वर्चुअल उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो यमुनानगर से हरियाणा से कौन लोग जुड़ने वाले हैं? हमारे यहाँ यमुनानगर में हमारे हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, हमारे लोकसभा से कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी, यमुनानगर के माननीय विधायक घनश्याम जी, हमारे यहाँ के महापौर यमुनानगर जगाधरी के मदन चौहान जी, जिला अध्यक्ष राजेश चपड़ा जी, चेयरपर्सन श्रीमती मलिक और रोजी आनंद जी, और हमारे बीजेपी के और भी जितने भी सीनियर वरिष्ठ लीडर्स हैं वो आज इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 508 स्थानों पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, और संगठन के नाते किसी न किसी जो बड़े हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी ड्यूटी हर रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है। धन्यवाद सर। ये तो हमारे साथ कृष्ण सिंगला जो बीजेपी से थे, इसके अलावा स्टेशन सुपरवाइजर थे, बड़े विस्तार से बताए कि 22 करोड़ रुपए का खर्चा आना है वो नवीनीकरण और सौंदर्य करने, एक बार पता लगा क्या आप रेलवे स्टेशन आए। फैसिलिटी की बात करें, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर तरह की सुविधा का यहाँ ध्यान रखा जाएगा। प्लेटफार्म नंबर 1 बड़ा व लंबा किया जा रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो, लिफ्ट तक का यहाँ प्रोविजन है। इसके अलावा जो दो यमुनानगर स्टेशन है, दोनों तरफ से यहाँ सुविधा दी जाएगी, यात्री चाहे हमीदा की साइड से आए या मेन रोड से, उनको टिकट भी मिलेगी, उनका एग्जिट एंट्री भी प्रॉपर होगी। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।